सब्सक्राइब कीजिए एसएससी एग्जाम वॉरियर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एचएसएससी का जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है आप लोगों की भर्तियों के लिए, आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है भर्तियों के लिए। पहले बताया जा रहा था नेक्स्ट मंथ आप लोगों का भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 12/6 से आप लोगों के आवेदन भी शुरू हो जाएंगे और 26/6 तक आप लोगों के आवेदन चलेंगे। पहला बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ 14 या 15 दिन दिए जा रहे हैं आवेदन भरने के लिए। तो देखिए आप लोगों की जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, आप लोगों की 100% पूरी होगी। पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी 5000 कांस्टेबल के लिए, लेकिन टोटल जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है 6400 भर्तियों के लिए, जिसमें आप लोगों की एसआई की वैकेंसियां इंक्लूड हैं, आप लोगों की कांस्टेबल की वैकेंसियां इंक्लूड हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसमें देखिए आप लोगों को 6/2019 नोटिफिकेशन नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जहां पर आप लोगों को 10 को ये नोटिफिकेशन डाले गए हैं पुलिस पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों देखिए आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप लोगों का बताया गया है पब्लिकेशन डेट जो 19/9 है, लेकिन वेबसाइट पर डाला गया है 10 तारीख को। वहीं ओपनिंग की डेट देखिए आप लोगों की 12/6 इसमें बताई गई है कि आप लोगों का 12/6 से आप लोगों का ओपनिंग है आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और 26/6 तक 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो दिया नहीं गया है अप्लाई एप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि उनको भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट करानी है। 28 तारीख तक आप अपने फीस भर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है नोटिफिकेशन के बारे में। आप लोगों की 6400 पोस्टों पर वैकेंसियां निकाली गई हैं। देखिए आप लोगों की वैकेंसियां देख लेते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसियां हैं इसके अंदर। तो हम नीचे आ जाएंगे तो देखिए 5000 कांस्टेबल हैं मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी मेल के लिए, वहीं 1000 जो हैं फीमेल कांस्टेबल हैं इसके अंदर। आप लोग देख सकते हैं जनरल की वैकेंसियाँ आप लोगों के अंदर सभी की ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियाँ भी इंक्लूड हैं इस बार। 500 वैकेंसियाँ ईडब्ल्यूएस की हैं, वहीं आप लोग फीमेल में देखिए 100 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की हैं। तो एक हमने वीकर को भी इसमें पार्ट दिया गया है वैकेंसियों के लिए। वहीं देखिए आप लोगों की 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, वही आप लोगों की सेम फिजिकल स्टैंडर्ड है जो पुरानी भर्तियों में चलता आ रहा है। आप लोग इसको नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं अगर पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं। 18 से 25 साल जो है एज है इसके अंदर। वहीं नीचे आ जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर की आप लोगों को वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी। सब इंस्पेक्टर की इस बार सिर्फ मेल कैंडिडेट की वैकेंसियाँ डाली गई हैं, जो 400 मेल कैंडिडेट की वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर। वहीं देखिए इसके अंदर भी ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया है, जिसके अंदर 40 वैकेंसियाँ दी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट कोई भी आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हों तो आप लोग भर सकते हैं एसआई की वैकेंसियों के लिए। इसके अंदर बॉन्डिंग नहीं है कोई स्पेशल से ग्रेजुएशन करना, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हो, लेकिन बस आप लोगों को हिंदी या संस्कृत में से आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास के अंदर। अब देखिए आप लोगों की जो है यहाँ पर हाइट और चेस्ट का पूरा मेजरमेंट मिल जाएगा। वहीं वैकेंसियों के बारे में बता चुके हैं वैकेंसियाँ किस तरीके से होने वाली हैं। पहले इसमें आप लोगों का पेपर होने वाला है, फिर फिजिकल होने वाला है। पेपर में देखिए पेपर का जो वेटेज रहेगा वो 80% वेटेज रहेगा, जैसे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 80% का वेटेज है। आप लोगों के जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 90 मिनट का टाइम होगा, हर क्वेश्चन का 0.80 मार्क्स होंगे और आप लोगों का टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि 20 नंबर इसमें एडिशनल नंबर दिए जाते हैं। जैसा आप लोगों को हम बता चुके हैं पुरानी वीडियो आप हमारी चेक कर सकते हैं पुरानी वैकेंसियों के लिए। थोड़ा शॉर्टली बता देते हैं आप लोगों को जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनसीसी, आप लोग अदर क्वालिफिकेशन किए हुए हैं या फिर आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड देखकर आप लोगों को नंबर दिए जाते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ इसमें वही पुराना वाला दे रखा है कि आप लोगों को 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करनी होगी 12 मिनट में। वहीं फीमेल के लिए 1.0 किलोमीटर आप लोगों को 6 मिनट में, सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो ये आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, जो आप लोगों का क्वालिफाइड नेचर का है, इसमें आप लोगों के मार्क्स इंक्लूड नहीं है। पीएमटी आप लोगों का जो है वहीं आप लोगों का फिजिकल के बाद आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब आप लोगों की फाइनल लिस्ट आ जाती है तो आप लोगों का जो है मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। एडिशनल 10% वेटेज जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन का है तो यहाँ पर दे रखा है, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है और आप लोग कांस्टेबल के लिए अलग है। तो आप लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन देख कर चेक कर सकते हैं। एनसीसी के भी 3 मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं इसमें, और आप लोगों का 10% वेटर आप लोगों का वेटेज चलता है आप लोगों के फादर मदर या फिर आप लोगों के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो उसके ऊपर। इसके अंदर आप लोगों को जो चेंजमेंट की गई है वो फादरलेस वाले ऑप्शन में चेंजमेंट की गई है। द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 42 एज, तो 42 एज से पहले अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको मार्क्स दिए जाएंगे 5 मार्क्स उनके घर वालों को। तो ये आप लोगों का
इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट, उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ कि पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ चुका था इसके बारे में। अब देखिए मैं आप लोगों इसके अंदर पहली बार ऐसा इंक्लूड किया गया है कि आप लोग जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है, क्योंकि वो बहुत जल्द इस अटाइनमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे आप लोगों को बताया गया था। तो 2.3A में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें बताया गया एग्जाम शेड्यूल के बारे में। देखिए पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, द एग्जामिनेशन आइदर ऑनलाइन और OMR बेस्ड, तो इसमें बताया गया है ऑनलाइन भी हो सकता है OMR बेस्ड भी हो सकता है। ऐसी पूरी प्रायोरिटी आ रही है कि आप लोग का OMR बेस्ड एग्जाम होगा, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग की जो है इतने ज़्यादा अमाउंट पर फॉर्म भरे जाते हैं, एक बार लेकर देख चुकी है SSC ऑनलाइन पेपर, उसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन ऑनलाइन पेपर में पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। SSC भी ऑनलाइन पेपर लगवाती है, वहीं हरियाणा लगवाती है, तो आप लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। उनको हायर करना चाहिए कोई अच्छी, खुद पेपर ना लें, आप लोगों किसी एजेंसी को हायर करें तो अच्छा होगा। चलो वो जो है आप लोगों का जैसा भी पेपर लिया जाएगा इसके अंदर, वहीं 13/7 से आप लोगों का 18/8 तक एग्जाम चलेगा इसमें बताया गया है। तो ये नहीं बताया गया है कि आप लोगों का SI का एग्जाम पहले होगा या फिर आप लोगों का कांस्टेबल का एग्जाम पहले होगा, बस ये बताया गया है 13/7 से लेकर 18/8 तक आप लोगों का एग्जाम चलेंगे इसके अंदर। तो ये पहली बार आप लोगों को देखने को मिला है कि आप लोगों को जो है एग्जाम भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और हर किसी नोटिफिकेशन में इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखाए तो आप कोई कह ही नहीं सकता कि HSSC जो है नीचे है UPSC के बराबर आप लोगों का लेवल पड़ जाएगा। पेपर का लेवल तो UPSC के बराबर कर ही दिया है, तो सर आप पैटर्न को भी UPSC के बराबर ले जाए तो और अच्छा है। अब देखिए आप लोगों को जो है इसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। अब आप लोगों को जो है इसके दो नोटिफिकेशन दिखाए गए थे, दूसरे नोटिफिकेशन में आप लोगों की जो है एक बात बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, तो वो आप लोगों को दिखा देते हैं हम। ये आप लोगों का पार्ट टू है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ था। पार्ट टू में आप लोगों को सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है किस तरीके से आप लोग एडिशनल नंबर ले सकते हैं, सारे पॉइंट इसमें डिस्कस है। इसके अंदर आप लोग अगर पॉइंट को देखकर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को मिलने चाहिए नंबर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को जो नोटिफिकेशन दिया गया है ये इसी बेसिस पे दिया गया है, सब कुछ इसमें डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, तो उनके द्वारा सारे रूल इसके अंदर डाल दिए गए हैं। इन रूल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। इसके अंदर दिया गया है नॉलेज टेस्ट के अंदर 5 नंबर में आप आ जाएंगे, फर्स्ट पेज पर ही दे रखा है कि आप लोगों इसके अंदर जो है 80 मार्क्स का पेपर हुआ, 20 मार्क्स आप लोगों को एडिशनल दिए जाएंगे और 100 मार्क्स में से आप लोगों की मेरिट बनेगी। वहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप लोगों को यहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाएगा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो आप लोगों का SI के अंदर और कॉन्स्टेबल के अंदर किसी में भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों का पूरा पेपर नो नेगेटिव मार्किंग बेस होगा, आप लोग पूरा पेपर अटेंड कर सकते हैं बिना डर के। आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है। और आप लोगों को एक एडिशनल बात बता दें कि आप लोगों का जो पेपर है वो पुराने पैटर्न पर ही होने वाला है, तो पहले जो पेपर लिए जाते थे उनमें जो है इजी लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते थे, पर अब आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोगों का एडिशनल इंक्वायरी पूछी जा रही है। कंप्यूटर में भी आप लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप लोगों ने बेसिक कंप्यूटर में कभी पढ़े ही नहीं है, तो आप लोगों का इस बार भी पेपर ऐसा देखने को मिल सकता है आप लोगों के लिए। तो ऐसी तैयारी कीजिएगा कि आप लोगों को अभी प्रॉब्लम ना आए इस बारे में। आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस हम आपको इंक्लूड कर देते हैं, हरियाणा GK आती है इसमें, जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल GK आती है, उसके बाद आप लोगों की जो है कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडिशनल। आप लोगों का मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं गया, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लिया गया है इसके अंदर, तो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं आप लोगों को। सभी में आप लोगों जो है महारत हासिल होनी चाहिए जब भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। हरियाणा में पहले ही आप लोगों का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आप लोगों को देखिए अभी 5,000 वैकेंसियाँ, टोटल 17,000 वैकेंसियाँ निकाल चुकी है इस बार आप लोगों की जो है मोदी गवर्नमेंट, या कहें आप लोगों की खट्टर गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छी सरकार देखने को मिली है। तो आप लोग अगर ये अभी आपको नोटिफिकेशन आई है तो आप लोगों को बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अगर दोबारा से ये गवर्नमेंट आए और आप लोगों के इसी तरीके से काम करे, क्योंकि अभी तक देखा गया है लगातार नोटिफिकेशन आए हैं, लगातार पेपर हुए हैं हरियाणा के अंदर, और लगातार जो है सरकारी नौकरी दी जा रही है, और उनके द्वारा अब भी बताया जा रहा है कि उनके पास और भी सरकारी नौकरियां हैं। तो देखिए कितनी सारी सरकारी नौकरियां पीछे से रही जा रही हैं जिनको अब वो कंप्लीट कराने का पूरा जिम्मा ले लिया है BJP सरकार ने। अब आप लोगों को जो देखना है कि आप लोगों को किस तरीके से मेहनत करनी है। जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है वहाँ पेपर तो टफ पूछा ही जाता है, वरना पेपर इजी ले लेते हैं फिर वो मार्क्स देखिए, अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा वहीं 92 पर कट ऑफ जाएगी, फिर आप कहेंगे कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आप लोगों का टफ पेपर इसलिए लिया जा रहा है कि आप लोग जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं वो ही आगे आए, वो नहीं कि आप लोगों का जो कोई भी आगे आ जाए, तो इसलिए पेपर टफ लिया जा रहा है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इसलिए टफ पेपर हो रहा है। ऊपर से आप लोग देखिए SI का है, SI का पेपर तो टफ होना आप लोगों का जरूरी है, क्योंकि B क्लास के कैटेगरी का पेपर होता है, और SI का पेपर जो है बहुत
कम देखने को मिला था, 400 वैकेंसियां पिछली बार देखने को मिली थी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब तो वैकेंसियां आएंगी नहीं, अब देखिए दोबारा 400 वैकेंसियां निकाल दी गई। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपनी तैयारी कीजिए। और आप लोगों के पास एक मंथ है, एक मंथ लग जाइए आप लोग दिन रात अपनी मेहनत में लग जाइए, और आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता लगने से। तो आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए, जब भी आप लोग हरियाणा में अपनी सीट पा सकते हैं, बेशक कांस्टेबल की सीट क्यों ना हो, उसके लिए आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।